दोस्तों अभी मैं बिहार के सारण जिला में हूँ और ये मेरे पीछे जो भव्य मंदिर देख रहे हैं ये बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ की स्थापना जो इस मंदिर की स्थापना है बहुत पहले की गई है, हजारों वर्ष पहले की गई है। तो मैं आप सबों को लेकर चलूँगा अंदर और मैं बताऊँगा कि इस मंदिर की क्या खासियत है, कब से ये मंदिर है और कब से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ यहाँ के प्रमुख पुजारी जी हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज चैनल के। यहाँ इस मंदिर के शंकर भगवान की स्थापना भगवान शंकर और विष्णु का 28वां मनमंत्र में हुआ है। अभी 42वां मनमंत्र चल रहा है। 14,000 वर्ष पुराना है। अच्छा, 14,000 वर्ष पुराना है। एक समय था कि इस पृथ्वी इस सह नाम का पर्वत है जहाँ हम लोग खड़े हैं। भगवान जब मृत्युभुवन में घूमने के लिए आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत पवित्र भूमि मालूम दिया। उन्होंने विचार किया तीनों आदमी कि ऐसे पवित्र भूमि पर कुछ जग जाप होना चाहिए। उस समय जग हुआ, ब्रह्मा जी यजमान बने, विष्णु भगवान पंडित जी बने, शंकर जी कार्यकर्ता बने। ब्रह्मा जी की दो स्त्री, बड़ी के आने में विलम्ब थी, छोटी मौजूद थी। संकल्प जो ही हो रहा था जग का, बड़ी पहुंच गई, देखकर बहुत क्रोधित हो गई। ऐसा किसने किया? ब्रह्मा जी कहे कि शंकर भगवान की मति से हुआ। श्राप दिया कि ऐसा जो किया वो पत्थर हो जाए। उसी समय ब्रह्मा जी ने दोनों शंकर विष्णु के एक ही शिवलिंग में स्थापना किए हैं और उसको भी श्राप मिला कि जाओ यहाँ नारायणी नदी बन भर के बहोगी, तुम्हारा जल चढ़ेगा उन पर, उनकी आत्मा की शांति होगा। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है, 28वां मनुमंत्र में हुआ है। ऐसा कहीं नहीं है, हरि और हर दोनों एक साथ, गंगा और गंडक दोनों के मध्य में है, संगम स्थल पर इनका स्थापना हुआ है। बहुत यहाँ रमणीय जगह है और जो भी कामना से यहाँ लोग आते हैं भगवान पूरा करते हैं। गंगा गंडकी गंग्योर मध्य क्षेत्रम हर हर यभिधर्म तस् सनात्वा जलम पीत्वा नरो नारायण भवतो। यहाँ जो स्नान करता है, जल जो पीता है, वो नारायण के तुल हो जाता है। दान जो करता है मेरु पहाड़ की तरह ढेर लग जाता है। तो बहुत पवित्र रमणीय स्थल है और ये कार्तिक मेला में जो लगता है, कार्तिक मेला पूर्णिमा के दिन, उसी दिन की कहानी है। हाँ, उसी के नाम पर मेला यहाँ लगता है। अच्छा, सावन में भी यहाँ पे मेला लगता है क्या? हाँ, सावन में जलझड़ी होता है, हर जगह गांव घर सब में होता है, लेकिन मेन जो है यहाँ वही कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है, एशिया का सबसे टॉप मेला लगता है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जैसा कि बाबा से जानकारी मिली कि लगभग 14,000 वर्ष पहले यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई थी और वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था। ये पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे एक साथ भोलेनाथ और हरि दोनों की पूजा की जाती है, उसके ही नाम पे इसका नाम हरिहरनाथ मंदिर पड़ा। मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा और भोलेनाथ का दर्शन भी करवाऊँगा। सिर्फ भोलेनाथ नहीं, यहाँ पे हरि और भोलेनाथ दोनों का एक साथ शिवलिंग है और दोनों का एक साथ पूजा की जाती है। तो अभी हम लोग प्रवेश कर गए हैं इस मंदिर पे और जैसा कि बाबा से भी जानकारी मिली थी कि एक साथ हरि और भोलेनाथ दोनों की पूजा की जाती है। तो ये विश्व में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे दोनों का एक साथ पूजा किया जाता है। यहाँ पे पुजारी जी भी हैं। पुजारी जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजेंद्र पांडे है। यहाँ के महिमा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है, हरि माने विष्णु, हर मतलब महादेव, दोनों आदमी यही महादेव का, वो ब्रह्मा का स्थापना किया हुआ ही शिवलिंग है और इसी में दोनों आदमी विराजमान हैं। जो हरि और हर कहते हैं इसी में दोनों हैं। अच्छा। ऐसे तो देखने में सब कोई भी कहेगा कि महादेव हैं, लेकिन इसमें नारायण का भी वास है। अच्छा। और इसी में नारायण का भी वास? जी जी। अच्छा। और अलग से ये शालिग्राम पत्थर है भगवान विष्णु का, तो नारायण का भी यहाँ स्थापना किया गया था। अच्छा, ये शेषनाग जो है जी, ये चांदी का है क्या? जी हाँ, प्योर चांदी का, पूर्ण रूप से चांदी का। जी 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 जी। अच्छा, या अगल बगल में और भी कोई मंदिर? हाँ, और गजेंद्र मोक्ष का मंदिर है, घाट पर माता काली का मंदिर है, इधर सूर्य भगवान का मंदिर नया बना है। अच्छा, बहुत सब बहुत मंदिर है, गौरी शंकर है, बहुत मंदिर है।
विश्वविख्यात, लेकिन मेला सोनपुर का मेला जो लगता है वो इन्हीं के नाम पर लगता है। अच्छा, सोनपुर का मेला इसी नाम पे लगता है। जी, पशु मेला एशिया का सुप्रसिद्ध सोनपुर का मेला लगता है नवंबर में, वो इन्हीं के नाम पर लगता है। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोनपुर का जो प्रसिद्ध मेला एशिया महादेश का प्रसिद्ध मेला होता है, विश्व विख्यात मेला होता है, वो इसी हरिहर नाथ मंदिर के ही नाम पे सोनपुर मेला लगता है। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। जैसा कि बाबा से भी जानकारी मिली थी और पुजारी जी भी कह रहे हैं कि 14,000 वर्ष पहले शिवलिंग की स्थापना हुई थी, वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना की गई थी। तो एक साथ यहाँ पे हरि और हरिहर नाथ की पूजा की जाती है। बहुत ही भव्य स्थल है, बहुत ही भव्य जगह है। मैं निवेदन करना चाहूँगा वैसे दोस्तों से, जो ऐसे पावन जगह पे नहीं आए निश्चित रूप से आए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। तो कैसा लगा आज दर्शन करके, यहाँ का भ्रमण करके, जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राधे, जय